हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अंबिका ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आज देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी हेयर कटिंग की वीडियोस लेके आई हूँ, जिसे आप लेयर कट कह सकते हो और लेयर विथ स्टेप्स। दोस्तों तो ये देखो बहुत ही सुंदर सी हेयर कटिंग है और ये देखो मैंने कैसे किया है और अब आप वीडियो देख सकते हो। तो ये देखो ये लेंथ है इनकी हेयर की, जो बहुत बहुत शॉर्ट नहीं है और बहुत लॉन्ग भी नहीं है, और इसी में मैंने ये लुक दोस्तों क्रिएट किया है। तो कैसे किया है आप देख सकते हो इस वीडियो में। ये मैंने बालों को बहुत अच्छे से गीला कर लिया है, क्योंकि बाल गीला करने के बाद ना बहुत अच्छी कटिंग होती है और बाल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। जिस दिन आप कटिंग करवाओ उस दिन बाल हेड वॉश होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी ऑयल लगे बालों में बिल्कुल भी कटिंग ना करें, ना कटिंग करने में मज़ा आएगा ना वो लुक आएगी कटिंग में, क्योंकि और ये देखो मैं दोनों साइड से बालों को आधा आधा मतलब डिवाइड करके आप देख सकते हो हाफ़ एंड हाफ करके कटिंग करना शुरू कर दिया। जो इनके फेस पे थोड़ी सी कटिंग हो रखी है ना, ये पहले से ही कट था और ये अब मैं बस ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े से कट करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल फेस के सामने ला के और फिंगर में पकड़ के। ये देखो बिल्कुल तिरछी कंघी करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, ट्रायंगल में कंघी करनी है। और ये देखो ऐसे, हाँ जी ये बिल्कुल फेस के सामने ला के आप कटिंग कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा साइड की है क्योंकि ना ये बार बार फेस को मतलब नेक टेढ़ा कर ले रही थी, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना होता है क्लाइंट अपना फेस बिल्कुल स्ट्रेट रखे। ये देखो ये लुक आ रहा है कटिंग का, बहुत ही सुंदर कटिंग है, जो आपने पहले देखी है वही कटिंग किया है मैंने इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने दोस्तों ने लेयर कट किया है, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत मतलब ये कह सकते हो ना हल्की फुल्की स्टेप्स डाल दिए, क्योंकि बाल ना बिल्कुल कर्ली है ना बिल्कुल स्ट्रेट है। वैसे स्ट्रेट के स्ट्रेट क्वालिटी में ही काउंटिंग होएगी इसकी, स्ट्रेट क्वालिटी के बाल हैं इनके। और ये देखो लेंथ और एकदम स्ट्रेट कॉम करके बिल्कुल अच्छे से, एक बाल भी टेढ़ा मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये कहने का एक बाल भी छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से कॉम करके फिंगर में फंसा के बस कट कर देना है। करने से पहले दोस्तों ना कठिन लगता है, लेकिन अगर करने लग जाओ तो बिल्कुल इजी हो जाता है। और आप ये देखो मैंने जो बाल थोड़े से पीछे से बच रहे हैं उसको एक बार फिनिशिंग लुक दे देती हूँ। ये देखो बस सारे बालों को ऐसे एक एक करके लाना है और एक एक करके कटिंग करना है, क्योंकि देखो ये हो गया बिल्कुल, बस यही एक तरीका होता है लेयर कट करने का। आप चाहे तो कॉम में फंसा के कटिंग कर सकते हो, मैंने फिंगर से फंसाया है, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे करना। ये देखो और ये है बिल्कुल पतली पतली लेयर लेनी है, मोटी लेयर नहीं लेनी है। पतली लेयर लेने से क्या होता है ना, आराम से हाथ में बाल आ जाता है और दिक्कत नहीं होती है, फंसता नहीं है कॉम भी करने में। और ये देखो अब एक बार सारे बालों को ना मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखो अच्छे से चेक करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कोई भी कटिंग करते हो एक बार चेकिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपके बाद थोड़ी बहुत एक आध कहीं गलती हो, फेस बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए। और अब ये देखो बिल्कुल फेस के सामने ला के कटिंग कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, अगर एक बाल भी छोटे बड़े हों तो वो अच्छे से मिक्स करके कट हो जाता है। और ये देखो लेयर दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कटिंग और ये कटिंग की वीडियो? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको। और ये लास्ट में एक लेयर बच रही है दोस्तों, जिसको मैं अब कट करने जा रही हूँ। आप ये देखो जो बाल कट चुके हैं बस उससे बराबर कर देना है, आपको लग रहा था आप थोड़े से शॉर्ट भी कर सकते हो। ये एक बार नोचिंग कर देते हैं, इससे क्या होती है थोड़ी सी कटिंग में शार्पनेस आ जाती है, आप देख सकते हो। बस हो गई कटिंग कंप्लीट, एक साइड तो दोस्तों कंप्लीट हो गई कटिंग। ऐसी कटिंग के लिए स्ट्रेट बाल हो तो कटिंग बहुत अच्छी लगती है। और ये देखो एक बार मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि
चेक बहुत ज़रूरी होता है। आप देखो थोड़े से मुझे छोटे बड़े जहाँ भी कहीं लग रहा है उसको मैं अच्छे से कट कर देती हूँ। तो दोस्तों ये साइड की पूरी दोस्तों कटिंग मोस्टली कंप्लीट हो गई है, डन। अब मैं दूसरी साइड से कटिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने उस साइड से कैसे कट किया है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। दोस्तों देखिए अब ये मैं दूसरी साइड आ गई हूँ कटिंग करने, और दूसरी साइड आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने कैसे फिंगर में बालों को फंसाया है, बिल्कुल पतली पतली लेयर लेके और हेड को बिल्कुल स्ट्रेट करके कंघी को इनवर्ट में कॉम करना है। ये देखो और अच्छे से ये कट कर दिया। अपने हाथों का भी ध्यान रखना कि कैंची गलती से आपके हाथ में ना लग जाए। और ये देखो अब ये दूसरी लेयर निकाल रही हूँ। हर बार आपको थोड़ी सी तिरछी लाइन में कॉम करना है और तिरछी लाइन में ही लेयर लेनी है आपको। ये देखो ऐसे कटिंग करना है। तो दोस्तों आप अगर देखो मैंने ऐसे कट किया है, आपको अगर इजी लगे तो आप कॉम में फंसा के कंघी कटिंग कर सकते हो इस साइड से। एक साइड से चाहे तो आप हाथ यूज कर लो और चाहे तो आप कॉम यूज कर लो। और अगर आप कटिंग कराना चाहते हो तो अगर आपके बाल इस तरह के हैं, स्ट्रेट में हैं थोड़े और हल्का फुल्का वेव है, तो ऐसी कटिंग करा लो, बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो मैंने अब ना आपको कॉम में भी फंसा के कट करके दिखा दिया। अगर आपसे फिंगर में बाल नहीं रुकते हैं तो आप कॉम में फंसा के भी कटिंग कर सकते हो। तो ये देखो अब ये जो पूरे बाल हैं इसको मैं एक बार में ही कॉम में, थोड़ा क्या होता है ना ज़्यादा बाल भी आप फंसा सकते हो और फिंगर में थोड़े कम आते हैं। कंघी वैसे ही रखनी है तिरछी और कटिंग भी ऐसे ही करनी है बिल्कुल थोड़ी दो। ये देखो हो गई कटिंग, हो गया इस साइड का भी वैसे ही लेयर कट। आप देख सकते हो बाल बहुत ज़्यादा छोटे नहीं किए हैं, लॉन्ग में ही कटिंग कर दिया है। और हल्की फुल्की कटिंग होगी आपके स्टेप्स में, जब मैं लेयर में स्टेप्स डालूँगी फिर थोड़ी बहुत बाल शॉर्ट हो जाएंगे जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वैसे ही, क्योंकि स्टेप्स और लेयर कट में थोड़े बहुत बाल शॉर्ट होते हैं। ज़्यादा लॉन्ग में ना ये कटिंग अच्छी नहीं लगती है, इतनी लेंथ में ये कटिंग अच्छी लगती है। इसे थोड़े से और लॉन्ग रख सकती थी मैं, बट ना जो मतलब लेंथ में बाल ख़राब हो गए थे, डैमेज हेयर थे और स्प्लिटिंग्स थे, उसको कट करके हटाना था, तो इसलिए मैंने ऐसी कटिंग करी है कि वो कटिंग भी हो जाए और कोई अच्छा सा लुक भी हो जाए। तो ये देखो अब ये फाइनल मैं एक बार ना दोस्तों चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आपको मैं हर बार बोलती हूँ ना चेकिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो जब मैं चेक करती हूँ अच्छे से कॉम करके, और तो इसमें नोचिंग कर देती हूँ क्योंकि इससे बालों में थोड़ी सी शार्पनेस आ जाती है और लुक बहुत अच्छा लगता है। और बस ये अब देख सकते हो आप फ्रंट की जो कटिंग है, आप इसे लेयर कट कहते हो, ये प्रॉपर हो गई है। ये मैं आ जाती हूँ दोस्तों पीछे, जो मुझे लेयर देना है बालों में, थोड़ा सा अलग लुक देना है। और ये मैंने ऐसे किया है कि ईयर टू ईयर पार्ट बालों को करके एक पोनी की तरह अच्छे से हम फिंगर में हाथ में बाल पकड़ के एक नीचे से लेयर मतलब मैंने निकाल दिया है और बाकी बालों को बांध दिया है। और मुझे देखो ये नीचे की जो लेयर है ना, इसमें आप जैसे मैंने हेयर स्टेप्स कट किए हैं, कई ऐसी वीडियोस अपलोड हैं उस तरह से स्टेप्स डाला है। और ये जो पार्लर में लड़कियां सीखती हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से देखती रहती हैं, कोई भी कटिंग करो कोई भी वीडियो शूट करो तो आपको ना पार्लर में थोड़ा ऐसे मैसी मैसी सा लगेगा। तो दोस्तों उसे माइंड मत करना, क्योंकि काम होता है ना तो ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल समेटा नहीं रह पाता है। जब काम ना हो तो बिल्कुल सिमटा सिमटा सा रहता है। तो ये देखो अब बिल्कुल हल्की हल्की स्टेप्स डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाल शॉर्ट नहीं करने हैं, बस हल्की फुल्की लुक चेंज करना है। आप हल्का फुल्का मतलब लेंथ लेंथ में ही स्टेप्स डालना है, बहुत ऊपर तक स्टेप्स नहीं डालना है। और ये देखो अब क्राउन एरिया से बालों को एक बार और अलग कर लिया है मैंने, बिल्कुल क्राउन एरिया का छोड़ दिया है। और फिर वही मतलब स्टेप्स से मैच करते हुए एक गाइडलाइन लेके
कटिंग कर रही हूँ। आप ये देखो जो कटिंग हुए बाल हैं वो और जो नहीं कटिंग हुए बाल हैं वो थोड़ा सा मिक्स करके और ऐसे ये देखो बराबर जो नीचे वाले बाल हैं ना वो देखो थोड़े छोटे हैं और ऊपर वाले बाल बड़े हैं, तो उसको कट कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। ये जो इतनी सुंदर सी हेयर कटिंग हुई है आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। तो ये देखो हो गया, बस इतने ही स्टेप्स डाले हैं मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है इसमें। और अगर प्रॉपर स्टेप्स डालना होता तो और छोटे होते बाल थोड़े से, और लास्ट में लेंथ में थोड़ी सी जो टेल पूंछ निकलती है उसे हल्की सी फिनिशिंग करते चलना चाहिए। और ये अब बिल्कुल क्राउन एरिया का है, आप चाहे तो एक बार में कटिंग कर दो या फिर आप चाहे तो एक और लेयर ले लो। मैंने एक और लेयर दोस्तों कर लिया था, ये थोड़े बाल मोटे लग रहे थे कटिंग होने के बाद। तो जितना आपके हाथ में विजिबल सॉरी जितना आपके हाथ में कैरी हो जाए उतनी लेयर लो और बाकी बालों को छोड़ दो। आसानी से कटिंग ऐसे ही होती है, थोड़े थोड़े बाल अगर लेके अगर आप कट करते हो तो। ये देखो मैंने ऐसे ही कर दिया है, बाकी आपको जो इजी लगे मेथड आप उसे यूज करना, मुझे तो ऐसे ही बहुत आसान लगता है कट करना। और ये देख सकते हो आप, मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैंने आपको शायद बताया होगा कि मैं बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करती हूँ। और ये देखो ये एक फाइनल लेयर है बिल्कुल क्राउन का, अब उसे भी मैं दो भागों में बांट के बिल्कुल कहते हैं ना ज़्यादा नहीं कम कम थोड़ा थोड़ा कट कर दूँगी, बिल्कुल ऐसे उठा के ऊपर और हल्की सी कटिंग कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं आप देख सकते हो, क्योंकि बस इतने ही मुझे लेयर डालने हैं बालों में। ये हो गया प्रॉपर लेयर विथ स्टेप्स। तो आपको दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की कटिंग कराने में दिक्कत होती है, तो आप एक बार हेयर कटिंग करने वाले से या हेयर ड्रेसर से ज़रूर राय ले लो कि आपके बालों में कैसी कटिंग सूट करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है राय लेके कट करना अपने हेयर के अकॉर्डिंग। तो ये देखो अब जो फ्रंट की लेयर है उसमें भी बस वैसे ही उठाना है, टॉप पे ले जाना है और हल्का सा ट्रिम कर देती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, बस हो गई कटिंग। और दोस्तों ये देखो एक बार मैं ना आगे से पीछे सब चेक कर लेती हूँ और मैं बस ये हो गई प्रॉपर कटिंग। हल्की हल्की आप ना नोचिंग दे सकते हो बीच में, इसे क्या होता है थोड़ी सी बालों में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, नोचिंग हेयर कटिंग में बहुत मायने रखता है। ये देखो फाइनल लुक है दोस्तों, कैसी लगी आपको? और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मैं अब आपसे किसी और वीडियो में मिलूँगी। ये देखो मैंने हल्का सा ड्रायर से सेट कर दिया है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बालों का जो टेक्सचर है वो ऐसा है कि हल्की सी सेटिंग करते ही बिल्कुल सेट हो जाता है। तो ये देखो कितना अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल आप ये कह सकते हो ना हेयर कट करते ही बिल्कुल एकदम लुक चेंज हो जाता है। ये देखो ये कटिंग है जो मैंने बिल्कुल हल्की हल्की से स्टेप्स डाली है, ये देखो हो गई फाइनल। आप इसमें क्लचर लगा सकते हो, खुला भी रख सकते हो, पोनी बना सकते हो, कैसे भी करो बालों का लुक बहुत अच्छा आएगा। और ये देखो मैंने हल्का सा क्लचर मोड में बालों को पकड़ के आपको दिखाया है, ऐसा लुक आएगा दोस्तों। और एक होती है ना बनाना क्लिप, अगर आप वो लगाते हो तो उससे और अच्छा लुक आता है बालों का। तो दोस्तों अब हम आपसे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।